सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 26 जनवरी नूं पंजाब एग्रीकल यूनिवर्सिटी के मैदान में गणतंत्र दिवस मौके तिरंगा झंडा लहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परेड तो सलामी रही। इस दौरान सीएम मान ने कहा कि गणतंत्र दिवस पंजाब करके आया, पंजाब ने लड़ाइया लड़िया शहादतां दित्तियां, फिर गणतंत्र दिवस आया, इसलिए असं गणतंत्र दिवस विशेष तौर पर मनाते हैं। फूका लहर होवे, अकाली लहर होवे, पगड़ी संभाल जट्टा होवे, कामा गाटा मारू होवे, सारियां लहरां पंजाब च आईयां ने, इसलिए पंजाब लई खास है। पर अफसोस की गल है कि 26 जनवरी से 15 अगस्त नूं पंजाब दी झाकी हटा दित्ती गई है। झाकियां ने दसो की गल सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वालों गणतंत्र दिवस मौके करनाल विखे कौमी झंडा लहराने की रस्म अदा की गई थी। मार्च पास्ट तो सलामी ले गई। इस दौरान राजपद्री समागम को संबोधन करते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत माता की जय के नारे लाए। उन्होंने कहा कि देश के संविधान की पालना करना हर नागरिक का फर्ज बनता है, ता ही असं सही समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस तो बाद मुख मेहमान स्टेज से बैठे जंगी योद्धियों के बहादुर शहीदों के परिवारों को शाल पेंट करने नतमस्तक भी हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के शतरसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के संबंध में जनता को संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने अपना सारा भाषण भगवान राम के सिद्धांतों को आधार बना दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने रामराज के जरूरी 10 सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने कहा कि पार्टी भगवान राम के 10 सिद्धांतों के आधार पर ही दिल्ली सरकार चला रही है। रामायण की कथा से जुड़े श्री केजरीवाल के 35 मिनट के संबोधन में राम शब्द घटो घट 53 बार है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीदों की धरती फिरोजपुर विखे झंडा लहराने के लिए पहुंचे खेड मंत्री पंजाब गुरमीत सिंह मीठेर वालों। सब तो पहला शहीद स्मारक हुसैनीवाला विखे पहुंच के शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव जी की समाधि से श्रद्धांजलि भेंट करके नतमस्तक हुए। इस मौके खेड मंत्री मीठेर ने कहा कि असं गणतंत्र दिवस से आजादी इन्होंने शहीदों के वालों देश को आजाद कराने दिखाई शहादतों के सदका ही मना रहे हैं। सानू इन्हों की याद में कभी भी दिल चो नहीं भुलाना चाहिए, इन्होंने दसे हुए नक्शे कदम से चलना चाहिए। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में तिरंगा लहराया। परेड की सलामी ली। इस दिहाड़े की उन्होंने पंजाब वासियों देशवासियों को बधाई दी। इस मौके पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर, डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थौरी समेत वड्डी गिनती में प्रशासनिक अधिकारी भी उन्होंने नाल सन। इस दौरान स्कूली बच्चों ने बैंड का प्रदर्शन भी किया। अज पूरे देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस तहत मानसा विखे गणतंत्र दिवस मौके पंजाब के माल मंत्री ब्रह्मशंकर जिंपा वालों झंडा लहराया गया। इस मौके उन्होंने सलामी ली, परेड का निरीक्षण भी किया। नेहरू कॉलेज विखे करवाए गए समागम में वख-वख स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। एसएसपी डॉक्टर नानक सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस उत्साह और खुशी से मनाया जा रहा है। 75वें गणतंत्र दिवस मौके पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने जलंधर विखे तिरंगा लहराने की रस्म अदा की। इस मौके उन्होंने सलामी ली, परेड का निरीक्षण किया। गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में रखे गए सूबा पद्धरी समागम में वख-वख स्कूली बच्चों वालों रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। 75वें गणतंत्र दिवस मौके होने वाले जिला पद्धरी प्रोग्राम तो पहले बीते दिन गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुई थी। डिप्टी कमिश्नर ने परेड का निरीक्षण भी किया। परेड कमांड पीपीएस अधिकारी दमनवीर सिंह ने मार्च पास्ट की सलामी ली। हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस मौके पर सूबे में सजा काट रहे कैदियों को विशेष छूट का लाभ देने का फैसला किया। सरकार ने फैसला किया कि जिन दोषियों को 10 साल या इससे कम उम्र कैद की सजा हुई है उन्हें 60 दिनों में छूट दी जाएगी। इस फैसले के मद्देनजर ही बलात्कारी सौदा साध को भी फायदा होगा। सरकार के इस फैसले कारण सौदा साध 10 दिन और जेल से बाहर रहेगा। सौदा साध 20 जनवरी को ही 50 दिनों की पैरोल से बाहर आया। सजा सुनाए जाने के बाद उसे 9वीं बार पैरोल मिली है। हुण 10 दिन और पैरोल बदन करके वह 60 दिनों लिए बाहर रहेगा। सरकार के फैसले अनुसार 5 साल से बढ़ते 10 साल से घट सजा वाले दोषियों को 45 दिनों की छूट दी गई है। कर्नाटक के साबका मुख्यमंत्री जगदीश शेटर भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए ने। पिछलियां विधानसभा चोणों में टिकट न मिलने तो नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए सन। राजधानी स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ते रजीत चंद्रशेखर कर्नाटक के साबका मुख्यमंत्री ते पार्टी संसदीय बोर्ड के मैंबर बीएसईए की यूरोपा मुख बुलारे ते मीडिया विभाग के इंचार्ज अनिल बलूनी और पार्टी की कर्नाटक इकाई के प्रधान बीवाई विजेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्हां दी घर वापसी हुई। आज देश भर में 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। हर कोई मान नाल तिरंगा लहरा के देश को सलाम कर रहा है। गणतंत्र दिवस के इस विशेष मौके पर भारत चीन सरहद के बर्फीले खेतर तैनात इंडो तिब्बत बार्डर पुलिस हिमवीर ने तिरंगा लहरा के इसकी आन बान से शान सलामी दी। देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। वीडियो में देखा जाता है किवें बर्फीलियां चोटियां तैनात आईटीबीपी के जवान तिरंगा लहरा के गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की धी मरियम ने मनिया कि ब्रिटेन में 4 साल तक रहे उन्होंने पिता को पाकिस्तानी फौज ने घर वापस लिया। मरियम नवाज के इस बयान 8 फरवरी होने वाली आम चोणों तो पहला विरोधी धिर वालों लाए जा रहे दोषों की पुष्टि हुई है। मरियम ने इतों 80 किलोमीटर दूर ननकाना साहब एक रैली संबोधन करद दावा किया। मरियम नवाज ने रैली में कहा कि जिन्होंने नवाज शरीफ को सत्ता तो बेदखल किया उन्होंने वापस लेके आए। कुछ समय बाद उन्होंने रैली दोहराया। उन्होंने हर बार नवाज को सत्ता तो हटाया, कदे जहाज अगवा कांड में कदे अपने पुत्र तो तनखा लैन
ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ। 75ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਫਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਗਾਲਸਿਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਗਾਂ ਵਧੂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਲਸਿਟੀ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 75ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਗਾਂ ਵਧੂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 75ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ 132 ਉੱਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਗੁਲਾਬੋ ਮਾਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਲ ਥਲ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 5 ਮਹਿਲਾ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ ਇਸ ਪਰੇਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 3.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ 10 ਦਾਨ ਕਾਊਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਪੀਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।